हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन डॉट कॉम चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम आपको गुड़गांव की प्रॉपर्टी, हरियाणा के दूसरे शहरों की प्रॉपर्टी, नोएडा की प्रॉपर्टी, जेवर की प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में बताते रहे हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर की शिकायत थी कि आप दिल्ली की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताते हैं, तो दोस्तों आज ये वीडियो दिल्ली को ही फोकस करके बनाया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DTA द्वारा भी ई ऑक्शन में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकाली गई हैं। इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अगर आप कोई CNG फिलिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो CNG की स्टेशन लगाने के लिए भी साइट्स इसमें निकली हैं, काफ़ी सारी साइट्स हैं। पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको इस बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, कैसे इसमें भाग लेना है। दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है, हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मेरे पास एक नोट्स है उसको पढ़ के मैं आपको साथ के साथ बताता चलता हूँ। 48 इंस्टीट्यूशनल प्लॉट निकले हैं, 37 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकले हैं, 80 कमर्शियल प्लॉट्स निकले हैं, फ्री होल्ड है सारे के सारे ये। दोस्तों 2 CNG की साइट्स निकली हैं जहाँ आप CNG फिलिंग स्टेशन लगा सकते हैं। 78 रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकले हैं जहाँ पर 41 फ्री होल्ड है और 37 OSB फ्री होल्ड है। 9 EHS की साइट्स निकली हैं, 96 स्मॉल रेजिडेंशियल, 81 कमर्शियल स्टेट निकले हैं, बिल्टअप शॉप्स बना सकते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है भी, 23 कियोस्क है। ये सारी DTA की प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूँ ई ऑक्शन से मिलेगी। कब से ई ऑक्शन होगा, कब तक चलेगा, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। 16 मोबाइल टावर की साइट्स निकली हैं जहाँ मोबाइल टावर लगा सकते हैं, और 8 जो है एंसिलरी सर्विस मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल्स निकाले हैं। आठ साइट निकाली हैं कम्युनिटी हॉल के लिए, मल्टीपर्पज के लिए। 2 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट निकाले हैं। अब हम ये देख लेते हैं ये प्रोसेस कब से शुरू हुई है। तो दोस्तों DTA में ई ऑक्शन की ये जो प्लॉट्स निकली हैं, जो प्रॉपर्टी निकली है, इसकी ऑक्शन 14 जून से स्टार्ट हो गई है जो 16 जुलाई तक चलेगी। तो आपके पास पूरा एक महीने का लंबा समय है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको EMD अमाउंट जमा करना होगा और आप इसकी ई ऑक्शन में फिर भाग ले सकते हैं। और भी इसमें चीज़ें वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलता हूँ। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 16 जुलाई तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी में आप अगर इंटरेस्टेड हैं, इन प्लॉट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन कब कब होगी वो और मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 19 जुलाई को बिडिंग होगी रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए। ऑल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनमें, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स हैं, और जो CNG की साइट्स हैं, CNG की 2 फिलिंग स्टेशन की 2 साइट्स निकली हैं, उसकी 19 जुलाई को ई ऑक्शन होगी। दोस्तों 20 जुलाई को बुधवार को इंडस्ट्रियल प्लॉट, कियोस्क और मोबाइल टावर की ई ऑक्शन होगी, और 21 जुलाई को कमर्शियल प्लॉट, स्मॉल साइज रेजिडेंशियल प्लॉट्स और EHS की बोली लगाई जाएगी, उसकी बिडिंग होगी। दोस्तों 22 जुलाई को फ्राइडे के दिन जो बिडिंग है वो होगी बिल्टअप शॉप्स की, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स की होगी, और जो मल्टीपर्पज हॉल्स है उसके लिए बिडिंग होगी। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको www.dtaeauction.com.in ये वेबसाइट है, इस पे जाके अपने आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप जो DTA की नॉर्मल साइट है उस पे भी आपको इसका ई ऑक्शन की साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इस ई ऑक्शन की साइट पे जा सकते हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिस भी प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्टेड है उसका एक फिक्स EMD अमाउंट है वो आपको जमा करना होगा। अगर आपको किसी तरह की परेशानी आ रही है इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सब समझना चाहते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो इसमें हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, अब मैं आपको हेल्पलाइन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप इस पर कॉल करके डायरेक्ट DTA के जो कंसर्न लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे बिडिंग प्रोसेस में आपको भाग लेना है। दोस्तों इसके अलावा एक और आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं, आपको DTA का INA में विकास सदन एक ऑफिस है वहां जाना होगा, उसकी पूरी डिटेल आप इस पूरा एड्रेस, कितना प्लॉट नंबर है, ऑफिस नंबर क्या है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने बता दी है, तो आपके पास ये 2 तरीके हैं, आप फोन करके मदद ले सकते हैं DTA के लोगों की, आप डायरेक्ट जाके ऑफिस में वहां भी पता कर सकते हैं। वहां पर एक डेस्क बनाया गया है, उसका मैं नाम बता देता हूं, नागरिक सुविधा केंद्र करके एक डेस्क बनाया गया है, वहां पे आप जाके पता कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज का प्राइस क्या है, बिडिंग कितने से स्टार्ट होगी, कैसे बिडिंग होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कितना EMD अमाउंट जमा करना है, ये सारी डिटेल आपको एक तो हेल्पलाइन नंबर में मिल सकती है, या DTA के ऑफिस जा सकते हैं INA में, वहां पे मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप DTA की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए हो सकती है, आप इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाँ, चलते चलते मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
हम दिल्ली के साथ साथ NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत आसपास की एरिया की प्रॉपर्टी भी रिव्यू करते रहते हैं। अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो बताते हैं। हिल स्टेशन शिमला मसूरी यहाँ की भी प्रॉपर्टी है, वहाँ के बारे में भी हम जानकारी देते हैं। तो आपको इस चैनल पर सिर्फ किसी एक शहर की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपको कई शहरों की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। हम कोई फीस चार्ज नहीं करते, हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है, हम बस मोटिवेशन के लिए आपसे एक लाइक मांगते हैं। आप हमें लाइक करिए, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। जब हमें ज़्यादा लाइक मिलते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और YouTube की जो एल्गोरिदम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाती है। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है आखिरी, कि अगर आपके रिलेटिव, आपके नोन, आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, आपका कोई रिलेटिव्स का ग्रुप हो, फ्रेंड्स का कोई ग्रुप हो जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, DDA की कोई प्रॉपर्टी देख रहा था, कोई कमर्शियल शॉप लेना चाहता है, क्या कोई या कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहता है, या कोई फिलिंग स्टेशन लगाना चाहता है CNG की, तो आप ये वीडियो उनके साथ व्हाट्सअप में ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उनका भी फायदा होगा, उनको भी पता लग जाएगा कहाँ इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं वो बेहतर। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।